किरोड़ी लाल मीना का धरना जारी है वीरांगनाओं के साथ में। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किरोड़ी लाल मीना का धरना वीरांगनाओं के साथ जारी है। दसवें दिन भी वीरांगनाओं का धरना जारी है। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है। दसवें दिन भी वीरांगनाओं का धरना जारी है, किरोड़ी लाल मीना का धरना अभी भी जारी है। कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा है, उसे बैठने का लायक नहीं है, वो सीट पे बैठा है ना, उसी में कलंग है, कलंग है। वो हमारी सोच है, उनको नौकरी देनी है ना, तो हम देवर को नौकरी दिलाएंगे। आप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, आप वो ये कह रहे हैं कि आप परिवार दबाव में कर रहे हैं ये सब? कोई दबाव नहीं है हमारे, कोई दबाव नहीं है, किसी चीज का दबाव नहीं है हमारे, नहीं कोई बात का, कोई किसी का भी दबाव नहीं है हमारे। मन से कर रहे हैं आंदोलन? हमारे मन से कर रहे हैं, हमारे को पता है कैसे घर चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री से इंसाफी होगी अगर देवर को दे दी तो आपके बच्चों का क्या होगा? अरे वो मेरी सोच है, मुख्यमंत्री का लड़का की नौकरी जी रहे, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, हमारे पति की नौकरी है, मैं किसी को भी दिलाऊं, उनसे क्या मतलब है, इनको नौकरी देनी है। अब क्या करेंगे, अब जब तक क्या बैठी रहेंगे मांगी पूरी? जब तक हमारे न्याय नहीं मिलेगी जब तक हम बैठे रहेंगे। आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ आपने कूच करा, आपको रोक लिया गया, आपको लगता है कि ऐसा करना उचित रहेगा? क्योंकि आप वीरांगना है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक वादा कर रही हूँ, मैं भी वो वीरांगना हूँ कि हमारे असल माँ का बेटा है मुख्यमंत्री, तो हमारे सामने आके दिखाओ, हमारे सामने आके देखो मुख्यमंत्री असली माँ का बेटा है तो, और हम असल से नहीं, लेकिन वो गिद्दड़ है, गिद्दड़ है, ये छुपके बैठा है। वीरांगना ने सीएम को चुनौती दी है, राज्यपाल ने भी सीएम को पत्र लिखा है। करना पड़ता है, सरकार का ये कहना है कि यदि आप देवर को नौकरी कराओगे, आपके बच्चों की नौकरी, आपकी नौकरी। दसवें दिन भी वीरांगनाओं का धरना जारी है। उनसे क्या मतलब है, हमारा पति की नौकरी किसी को भी दिलाए, उनसे क्या मतलब है, क्या मतलब है? सचिन पायलट के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री असल माँ का बेटा है ना, मैं एक ही बात कह रही हूँ ना, तो असल माँ का बेटा है, असल माँ का दूध पिया है, तो हमारे सामने आके देखो, हमारा दो बयान सुन लिया है सामने की। हमने उसके द्वार पे दंडवत बैठक भी कर, तो अब तो शर्म आना चाहिए उसको, भाई वो दंडवत बैठक भी कर रही है, पुराने जमाने की रीति रिवाज होती है, क्या पता? वो क्या समझता है इस रीति रिवाज को? नहीं, लोकतंत्र है, ठीक है, वो निकलती है सरकार को। अब आगे क्या धरना जारी रहेगा? जब तक वो लिख के नहीं देगा हमारे को, जब तक धरना जारी रहेगा ना, हमसे दो मिनट के लिए मिले वो। का ये कहना है कि जैसे मान लो दो मूर्तियां पहले दे चुकी है, अब तीसरी ले रहे हैं, तो वो क्या हुआ? चार मूर्ति चार मूर्ति लगी झालावाड़ जिले में, चार मेरे एक मूर्त ओम जी बिला जी ने प्रेम से लगाई है, बेन का नाथस, उस मूर्त का मैं कोई ये नहीं मानती, राज्य सरकार ने वादा किया है मूर्त का, कॉलेज में चुपके से मूर्त लगाई है हमारे विधायक साहब ने, चुपके उस चुपके से मेरा पति 40,000 मन के हमें शहीद हुआ था, चुपके से थोड़ी हुआ था, चुपके से मूर्त क्यों लगाए? अब उस मूर्त का ना वो ना उसकी तारीख बताए मेरे को, भाई जिस दिन मूर्ति लगाई है, मेरे अदालत चौराहे की मांग तो मांग वही रहेगी, वही लगाऊंगी मूर्त। जब तक मांग पूरी नहीं होगी लिखित आश्वासन भी हटेंगे क्या? हाँ लिखित में लेंगे, लिखित में लेने के बाद ही हटेंगे। हाँ चलो, हमारा बंदा आता है जी, उनका बेटा है ना, और उनका बेटा है रोड पे लेटे थे, हम एक्सीडेंट में उनको मारते हैं, कितना दर्द होता है मुख्यमंत्री जी का, कितना दर्द होएगा ऐसे बताओ मेरे को? हमारे अंगुली जी की अंगुली करती है ना, उसी का दर्द होता है, वो क्या जाने क्या दुख होता है। अरे यार अब हट जाओ, एक फोटो तो लेने दो। अरे अरे रुको रुको रुको, उधर ले अपने भले ही उनका जो मकान है सरकारी आवास है वो 500 तो फिर अचानक उस तरफ जाने की वजह आजकल से क्या आपको लग रहा, बात नहीं सुनी गई थी? दरअसल में ऐसा है,
कि मैं यहाँ नहीं था। और अब थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फिर ट्वीट किया कर दिया और वीरांगनाओं के जले पे नमक छिड़क दिया। ये अधीर हो गई और मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने तय किया कि चाह मरेंगी चाह मारेंगी, हम मुख्यमंत्री से मिल के रहेंगी। गई तो भारी तादाद में पुलिस में हथियार के खड़ी हो गई, बैरिकेटिंग लगा दी। मेरे को पता लगा तो मैं भागा भागा गया। और हमारे राजस्थान में परंपरा है, हमारे राजस्थान में परंपरा है, कोई भी व्यक्ति अपने मुंह में दूब कुछ लेकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देते हैं तो सामने वाला दया करके उसकी बात पूरी करता है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने तीनों वीरांगनाएं अपने मुंह में दूब लेकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और दूब लोग साष्टांग प्रणाम भी कर दिया, हे मुख्यमंत्री जी हमारी सुनो। अब इंतजार करना है उनके हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता, दया करके इनकी मांग सुनते हैं कि नहीं सुनते, मानते कि नहीं मानते, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। देखो मुख्यमंत्री जी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी को ये पता कर लेना चाहिए कि इससे पहले भी देवर को, भाई को, भतीजे को, काका को, सबको नौकरी दी हुई है। वो फाइल तो मंगवा लो मुख्यमंत्री जी, आप किस आधार पर कह रहे हो नई परंपरा डलेगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि राजनाथ सिंह जी और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को वो किसकी नहीं सुन रहे, ना वो राजनाथ सिंह जी की सुन रहे, ना वो गवर्नर की सुन रहे, ना खड़गे साहब की सुन रहे, ना सचिन पायलट की सुन रहे, ना एक दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के सीनियर जो राजस्थान के नेता है उन्होंने भी कह दिया। वो तो बिल्कुल निरंकुश हो गए, वो तो रावण बन गए, कंस बन गए। अब कंस और रावण का इलाका तो इलाज तो उसी तरह से होगा जैसे भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम ने किया था। वापस क्यों लेके आए इनको सीएम के घर के पास? स्थिति नहीं बगड़े क्योंकि अपना देश गांधी का देश है, हिंसा नहीं हो, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, इसलिए वापस ले आए। एक बार लक्ष्मण जी, अरे तार छोड़ो तार छोड़ो तार छोड़ो तार छोड़ो।